हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या हालचाल, आई होप अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल भाई, सुबह वाले एपिसोड में लेस्टर ने सर में दर्द करके रखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को एक लेनी नाम का बंदा समझता है, जो कि एक छोटा मोटा हैकर है, जो दूसरे शहर से लॉस सैंटोस आया यहाँ पे अमीर बनने के लिए। उसके दिमाग में सिर्फ यही सारी बातें हैं, क्योंकि उसके पापा ने उसकी मेमोरी इरेज कर दी, डिलीट कर दी भाई, एक सॉफ्टवेयर के चलते हुए। मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और सारा नुकसान मेरे लिए कर दिया। अब लेस्टर मेरे खिलाफ काम करता है, मेरे दुश्मनों के लिए, क्योंकि उसको पता है मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। दिमाग में है ही नहीं तो भाई कैसे पता चलेगा। पॉइंट क्या है, फिलहाल अब मेरी मुसीबत इतनी बढ़ चुकी है, अब क्या ही करूँ, उसको मारूँ, छोड़ू, पकड़ू, कैसे काम करूँ। उसने स्टार्टिंग में मेरे को सुबह वाले एपिसोड में बड़ा किडनैप किया, परेशान किया। आप उसको चेकआउट कर लीजिए, फर्स्ट चैनल पर वो एपिसोड है। फिलहाल देखिए, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और उसकी आदत वापस लानी पड़ेगी, नहीं तो वो आगे भी कुछ और कर सकता है। उसका टारगेट है लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा बदमाश बनना और प्रेजिडेंट बनना। वो वाला काम करना चाहता है जो मैं कर रहा, मतलब मैं कर चुका हूँ। उसको मुझसे बड़ा माफिया बनना है। फिलहाल वो मुझे जानता नहीं है, बट बनना है। कमाल, इतने सस्ते नशे वो भी लेस्टर के। चलिए ठीक है भाई, पता लग जाएगा, देखते हैं कौन जीतेगा। इतना पीटूंगा लेस्टर को गैरेज में बंद करके, अपना नाम दोबारा याद आ जाएगा उसको, कह रहे लेस्टर हूँ। मेरे पास टेरी का फोन आया भाई, टेरी मुझे बोलता है ट्रेवर भाई फटाफट से पहुंच जाइए, अब 100 मील पर मैंने लेस्टर की लास्ट लोकेशन वहाँ पर निकाली है। चलिए भाई जल्दी से निकलता हूँ, क्या पता नमूना सच्ची वहाँ पर मिल जाए। आ रहा हूँ बेटे लेस्टर, आ रहा हूँ। तेरे को माफिया बनना है, बड़ा गैंगस्टर बनना है तो मैं बनाऊंगा। एक बार मेरे हाथों चढ़ तो जाए, उसके बाद तो भाई इसको मैं इतना पीटूंगा, सच्ची में नाम भूल जाएगा। गैंगस्टर बनना तो बहुत दूर की बात है, ये लेनी पहनी सब भूल जाएगा। दोबारा बोलेगा हाँ मैं ही लेस्टर हूँ ट्रेवर, मार मत। पहुंच तो जगह पर पहुंच चुका हूँ मैं प्यारे से 100 मील पर। लेस्टर ब्रो आ गया तेरा प्यारा भाई ट्रेवर, आजा। कहाँ पर है अब, आजा बनाऊंगा तेरे को नेता। ट्रेवर जल्दी से निकल, आपको बताया भाई सुबह उन्होंने मेरे को एक इंजेक्शन लगाया था, जिससे मेरी हालत अभी भी काफ़ी डाउन है। ट्रेवर अभी भाई बहुत परेशानी में चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है अभी भी। हेलो लेस्टर बाहर आजा ब्रो, अगर ढूंढ आना तो इतना मारूंगा, बहुत ज़्यादा प्यार से पूछ रहा हूँ, आजा, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। फिलहाल देखते हैं भाई, पता तो मैं कर ही लूँगा। ये जो गैप है ना भाई, कम से कम 7 या 8 फुट का है, ड्राइवर 6 फुट का, आप देख रहे हो तब भी ड्राइवर इसमें भाई ऊपर लग नहीं रहा। सही है भाई, सही है, बहुत ही बड़े। तो फिलहाल यहाँ पे काफ़ी लकड़ियाँ हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, गिरती है क्या? नहीं भाई, चिपक के रखी हुई है, गिर नहीं तो चाहिए थी। गिर जा। बहुत बार क्या होता है भाई, यहाँ वहाँ पर जो लकड़ियाँ होती गिर जाती है, बट ये वाली शायद से चिपक के रखी है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल लेस्टर ड्राइवर आ गया, देख भाई आ जा। यार ये लेस्टर अपना सर में दर्द बन के रखा हुआ है, होगा कहीं ना कहीं तो होगा, ये फटता है, फट जा। नहीं भाई ये नहीं फटने वाला, ओके ये नॉर्मल ही है, शायद से किसी और चीज़ का है, गैस का, पेट्रोल का नहीं है, किसी और चीज़ का है। अगर होता तो भाई 2-4 गोली भाई फट जाता। ठीक है भाई, मैंने लगता है पूरी जगह देख ली है, शायद से लास्ट लोकेशन यहाँ पर है, मतलब पत लगता है निकल गया। अगर होता तो भाई दिख जाता, इतना तो कोई ऐसा सीक्रेट है नहीं, ये जगह है ही नहीं भाई यहाँ पे बंदा, इसका मतलब चले निकलते हैं। पहुँच चुका भाई मैं जगह पर। हेलो टेस्टर जी, गोली नहीं मारूंगा, पता तो कर लो इससे क्या इलाज ढूंढ रहा है, सुबह हम बीड़ी मारता रहता है क्या। टेस्टर जी आपने अपने बेटे को तो खराब कर दिया, अब फटाफट से क्या बताओगे, जल्दी से कैसे ठीक होगा वो। मैंने तो दोबारा घूसा मारूंगा, जैसे लास्ट टाइम हथौड़ा बजा गए थे ना आपके ऊपर, दोबारा मेरे को मजबूर मत करो करने के लिए, बोलो जल्दी भाई। ये तो बड़ा पागल बंदा है, ये बोल रहा है ट्रेवर एक लोता और अकेला यही है बस, टाइम मशीन बन जाएगी तो मैं उसको वापस जाके उसी वक्त पे बचा लूंगा जब मैंने उसको एक्सीडेंट बना के दिया था बस, नहीं तो ट्रेवर और कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि भाई इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक बार दिमाग में खड़बड़ हो गई, अब का दूसरा दिमाग लाएगा। पॉइंट क्या है, उसके दिमाग की कॉपी भी तो नहीं ना, मान लो ये मेमोरी उसकी भाई चेंज कर रहा था, इसने उसकी कॉपी तो नहीं बनाई। अगर कॉपी बनाता तो हम उसको दोबारा से रिप्लेस कर देते और वहीं पर वहीं उसके मेमोरीज को डाल देते, इंस्टॉल कर देते। वैसे ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है, कोई वीडियो तो है नहीं एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में डाल दी, दिमाग है भाई। फिर भी मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ, इसने ना तो उसकी कॉपी बनाई माइंड की या मेमोरीज की, और ना कुछ किया, सीधा खराब ही कर डाली। तो पॉइंट क्या है, इसलिए इसकी मेमोरीज लाना तो इम्पॉसिबल है, ये बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं हो सकता ट्रेवर, क्योंकि उसकी मेमोरीज कहीं पे स्टोर नहीं करी गई, तो कहाँ से लाओगे। तो सिर्फ टाइम मशीन एक ऐसा लोता सहारा है जिससे जाकर के उसको बचाया जा सकता है। टाइम में पीछे जाओ, मशीन ख़राब कर दो जिससे उसके ऊपर मशीन एक्सपेरिमेंट ना हो, और बस वो बच जाएगा और फ्यूचर बदल जाएगा। तो ठीक है भाई, चलिए चेक करता हूँ आखिर क्या करना है। यार टेस्टर जी मुसीबत बढ़ाते रहते हो हमेशा, ना वॉच सही करके दी, टर्मिनेटर बना डाले, अपने लेस्टर बेटे को ही ख़राब कर दिया, अब ये पता नहीं क्या क्या करेगा। मुझे ऐसा लगता है इसको ख़त्म कर देना चाहिए भाई, तभी भला होगा हमारा और इसका। टर्मिनेटर का मेरे पास फ़ोन आया, मुझसे मिलना चाह रहा है, ओल्ड स्कूल पर उसने मुझे बुलाया मिलने के लिए। चलिए भाई निकलते, देखते क्या बोलने वाला है। बोल रहा है जल्दी आ जाइए ट्रेवर, काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारे काम। मैं फिलहाल भाई पहुँच चुका हूँ ओल्ड स्कूल में टर्मिनेटर से मिलने के लिए। ओके भाई ये खड़ा नमूना। हेलो भाई क्या परेशानी दिक्कत है तुझे, अच्छा बोल फटाफट से, अब तो मैं भी ऐसे खड़ा हूँ। एक सेकंड भाई, ये टर्मिनेटर भी टेढ़ा खड़ा है, जैसे कमजोर हो, काफी बीमार हो, क्या हो गया चाचा, क्या दिक्कत है, मैं तो परेशान हूँ, तू भी है क्या। ट्रेवर भाई मेरी बात सुनिए, हमारे साथ किसी ने बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ करी है, हमारे पूरे नेटवर्क में किसी ने वायरस छोड़ दिया, हम सभी एक नेटवर्क से कनेक्ट रहते हैं, जो भी टेस्टर जी ने बनाया था उसमें वायरस घुस चुका है, पता नहीं किसने क्या पता लगाइए।
हम सभी करप्ट होते जा रहे हैं। ट्रेवल सर मुझसे दूर चले जाइए, मेरे हाथ में कंट्रोल में नहीं है। ट्रेवल सर प्लीज मुझसे दूर रहिए, प्लीज दूर चले जाइए, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, हमें बचा लीजिए, शहर को बचा लीजिए। भाई फिलहाल गड़बड़ लग रही है, गाड़ी बैठ जल्दी से, गाड़ी बैठ फिलहाल। अरे मरा 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 मरा, जल्दी 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 ट्रेवल निकल 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 निकल। फिलहाल इसने मेरे को बताई एक बात कि फिलहाल ये अपने कंट्रोल में नहीं है। यही नहीं भाई, बाकी और ट्रेवलर्स भी अपने कंट्रोल खो देंगे। बहुत से तो मिलिट्री बेस में और पता नहीं कहाँ कहाँ पर है। टेस्टर ने जब इनको बनाया था तो इनके लिए एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया था जिसमें इनके सारे डेटा एक्सेस ये कर सकते थे, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन, मैप वगैरह वगैरह। उसमें कोई वायरस जल्दी से नहीं छोड़ सकता था, इम्पॉसिबल था, ऐसा टेस्टर जी ने बोला था। इसने बोला कि उसमें किसी ने छेड़खानी करी आज, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा काम किया, उसमें वायरस पहुँच चुका है। ये बोल रहा है कि अब हम अपने कंट्रोल में नहीं है, कोई हमें कंट्रोल करने वाला थोड़ी देर में। जैसे कि आपने देखा ये इसकी तबीयत ख़राब हुई, इसने गन निकाली मेरे ऊपर शूट करा, पर फिर भी ये मेरे को बोल रहा है ट्रेवल सर हमें बचा लीजिए और लोगों को बचा लीजिए, लोगों को खतरा होने वाला है। अरे रे 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 रे, तो बड़ा बुरा हो जाएगा, बड़ा बुरा हो जाएगा। अबे नमने गोली मत चला बे, फिलहाल कैसे काम चलेगा इसका। सभी भाई टर्मिनेटर्स हैक हो चुके हैं, किसने किया जानबूझ के इनके सर्वर में वायरस, किसने पहुँचाया, जिसने वायरस पहुँचाया वही जो कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है भाई, ये बड़ा बुरा हुआ। बट इससे पता चलता है टर्मिनेटर की भाई कोई गलती नहीं है बेचारों की, ये सुधरना चाह रहे, सच्ची में ईमानदारी से काम कर रहे थे। शहर के बदतमीज बंदे होते हैं ना, इनको ईमानदारी से काम नहीं करने देंगे। हर एक बंदे को भाई इनसे काम निकालने। अब ये काम किसने किया होगा, इनको दुश्मन बना दिया शहर का। एक काम करता हूँ, मिलिट्री बेस निकलता हूँ। इसने बोला भाई जल्दी शहर को बचा लीजिए और हमें बचा लीजिए। भाई बहुत सारे बंदे शहर के बीच में घूम रहे हैं कुछ मिलिट्री बेस में, अगर सब जगह वायरस फैला है तो इनके पूरे सर्वर में खराबी आई है, तो शहर का हर एक टर्मिनेटर पागल हो गया होगा। यही नहीं सब भाई, सब मिलिट्री बेस निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे तो दुनिया भर वाले भाई टर्मिनेटर पहुँचाए थे मैंने काम करने के लिए, उन्होंने तो वहाँ पे आतंक मचा दिया होगा भाई वायरस के चलते हुए। जल्दी निकल ट्रेवर, जल्दी पहुँच चुका हूँ भाई मिलिट्री बेस में। यहाँ पर आतंक मचाया नहीं, आतंक मतलब बचा दिया है, पहले ही ऑलरेडी करके चले गए बंदे लगता है यहाँ पर, या है यहाँ पर अभी भी पता लग जाएगा। बड़ा बुरा हुआ भाई, अभी देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, टर्मिनेटर बड़े खतरनाक हो गए हैं यार वो बंदे। एक तो इतने खतरनाक है, पता नहीं मरते कैसे हैं, ऊपर से उन सभी बंदों को कैसे मैं कंट्रोल में लेकर के आऊँगा। मिलिट्री बेस में सभी का दंगा कर दिया। अब थॉमस सोचेगा, वैसे थॉमस है ही नहीं भाई सोचने के लिए, प्रेजिडेंट भी किडनैप हो चुका है, सारे शहर में अटैक होना शुरू हो जाएगा अभी टर्मिनेटर के चलते हुए। पता है क्यों, ये अपने होश में नहीं है। अब ये काम भी लेस्टर ने तो नहीं कर दिया ना, अरे यार लेस्टर ने ये तू नहीं कर सकता, ऐसा मत कर। वैसे एक बात बताओ, इन सभी चीज़ की जड़ पता है कौन है, टेस्टर। उसने ही रोबोट्स बनाए, ये दिन देखना पड़ रहा है। उसने ही लेस्टर की मेमोरी ख़राब करी, उसकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। ये दोनों प्रॉब्लम्स जो फ्री में मेरी ज़िंदगी में आई हैं, सब उस टेस्टर के नमूने की वजह से। मैं तो कहता हूँ पहले उसको ख़त्म कर दो, इससे पहले कोई तीसरी मुसीबत पैदा करे मेरे लिए। क्या हो गया, क्या कर दिया उसने। हेलो भाइयों, कोई जिंदा है क्या अंदर की तरफ, जरा मुझसे मिलो। हेलो हेलो, ओके भाई ये बंदा यहाँ पे छुप के थे, बहुत बढ़िया। अबे नमूना मेरी बात सुनो फटाफट से, यहाँ पे कौन आया था, कौन कहाँ पर है, चश्मा लगा के बैठा है, नमूना देख रहे हो, लगता है रो रहा होगा भाई, आंसू छुपा रहा होगा क्योंकि बहुत दुख हो गया, बहुत सारे बंदे मारे गए। मैंने इनसे बातें कर ली है, मुझे बोलते हैं बंदे ट्रेवल सर प्लीज शहर को बचा लो, बहुत काम खराब चल रहा है, शहर के तीनों जनरल को किडनैप कर लिया गया है, कोई भी जनरल शहर में नहीं है, टर्मिनेटर्स उनको उठा के ले गए, शहर के प्रेसिडेंट भी किडनैप होकर रखे, शहर में रोबोट्स ने हमला कर दिया, ऊपर से प्रिंट ऑफिस पर हमला हो गया, प्लीज बचाइए कुछ तो कीजिए। मैंने बोला यार ये एकदम से लॉस सेंटर्स के पहाड़ से टूट गए मुसीबतों के। यार मुसीबतें मैं लाता हूँ तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बट कि कोई दूसरा बंदा मुसीबतें लाता है ना लॉस सेंटर्स, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो बंदा फिर अपनी पावर बनाना चाहता है। ड्राइवर के अलावा कोई और पावरफुल बनता है तो बहुत बुरा होता है, और मेरे को अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। यही काम लेस्टर ने किया है आज, और मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। तीनों जनरल चले गए, जिसमें मेरा एक खास दोस्त था वो भी जा चुका है, मैं उसको जरूर ढूंढ निकालूंगा। टेरी प्लीज इंटरमीटर्स की लोकेशन पता करने की कोशिश कर, करंट लोकेशन कहाँ पर, ये मिलेंगे मेरे सभी भाई। टेरी से बात हो गई, टेरी मेरे को फोन करने वाला था, उसने बोला ट्रेवल भाई मैंने ऑलरेडी पता लगा लिया है, आप फटाफट से जगह पहुंचे, मैं आपके पास ट्रक भिजवा रहा हूँ मैग्नेट वाला। इनको सिर्फ एक ही चीज़ से कंट्रोल किया जा सकता है, इनको चिपका लो भाई मैग्नेट से, ना इनके हाथ पैर हिलेंगे और ना ये बंदे कुछ उल्टा सीधा काम कर पाएंगे। चलिए फटाफट से काम शुरू करता हूँ, ड्राइवर जल्दी 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 जगह पर निकल, लेट मत कर, इससे पहले बंदे कुछ दूसरा उल्टा काम करना शुरू करें। टेरी के बंदे मेरे पास ट्रक लेकर के आ चुके भाई, मैग्नेट इसमें ऑलरेडी एक्टिवेट कर दी गई है, मतलब कि लगा दी गई है एक्टिवेट। मैं अपने पास जाकर करूंगा, उनके पास जब पहुंच जाऊंगा जगह पर, फिलहाल वहां पर भाई बहुत सारे टर्मिनेटर बताए जा रहे हैं डेजर्ट वाले एरिया पर, वहां पर ही वो बंदे गए यहां के सारे सारे भाग कर जितने मिलिट्री बेस में थे। मिलिट्री बेस में ज्यादा टर्मिनेटर्स नहीं थे, मुश्किल से 8 या 10 थे, वो सारे सारे एक जगह पर मिल गए हैं भाई, यहाँ पे हल्ला मचा के वहाँ पर भाग गए छिपने के लिए, फिर कुछ और करने के लिए पक्का नहीं भूलूंगा। पॉइंट क्या है, जल्दी जाकर के पहले उनको पकड़ता हूँ, उसके बाद बाकी और टर्मिनेटर्स को पकड़ना पड़ेगा। चल 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 ड्राइवर जल्दी से, एक लौता सहारा उनको पकड़ने का, उनकी कमजोरी अब की बार नहीं है, कुछ भी मर नहीं सकते ऐसे टेस्टर ने बोला था, इसलिए कोई फायदा नहीं होगा।
क्योंकि टेस्टर ने बोला था अगर उनके ऊपर भाई कुछ भी गिरा दिया जाए, मतलब पूरी दुनिया के बॉम्ब भी डाल दिए जाए उनके ऊपर, तब भी नहीं मरेंगे। पता नहीं क्या करा आपके वारिस ने, नमूने ने, इसलिए भाई अगर टर्मिनेटर बिगड़ गए ना पूरा लॉस सैंटोस ले मरेंगे, सच बता रहा हूँ मैं। जल्दी ट्रेलर पहुंच जगह पर। मैं भाई अपने ट्रक को लेकर के जगह पर पहुंच चुका हूँ। सामने की तरफ देखो सारे सारे टर्मिनेटर खड़े हैं, मैं आपको भाई यूज़ करके दिखाता हूँ। बाइनोकुलर देखो यहाँ पर खड़े हैं, पता नहीं क्यों खड़े हुए, शायद से कुछ इंतजार कर रहे हैं किसी का आने का, कोई ऑर्डर इनको मिलने वाला है, जो भी है भाई पता सब कुछ चल जाएगा, मतलब कि बाद में इनको चिपकाता हूँ फटाफट से। चल मेरे प्यारे ट्रक, आराम से मैग्नेट ऑन करता हूँ, आगे जाकर के बटन को ऑन कर। ट्रेलर जल्दी से बटन प्रेस करिए, जो रेड बटन भाई आप देख रहे हो यही बटन है, इससे मैग्नेट ऑन हो जाएगी और ये सब बंदे खींचना शुरू हो जाएंगे, फिर इनको ले करके निकलता हूँ। मैग्नेट मैंने एक्टिवेट कर दिया है, थोड़ी देर में खुद ही ऑटोमेटिक चिपकना शुरू होंगे क्योंकि मैंने टाइमर लगा के रखा है, टाइमर पूरा होते ही आने शुरू हो जाएंगे। चलो 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 जल्दी से नमूनो, तुम आज नहीं बच पाओगे, बट भाई काश ये अपना प्लान काम करे, अगर ये काम नहीं करा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी मेरे इसमें प्लान में, क्योंकि आपको पता है फिर मैं इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर गोली बजानी शुरू करी मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा। ओके भाई फाइनली सभी के सभी टर्मिनेटर आने शुरू हो चुके हैं बड़ी ही बुरी तरीके से। ये कैसी टाइप की मैग्नेट है यार, बड़ा अजीब तरीके से काम कर रही है, इनके ऊपर मैग्नेट असर नहीं कर रही यार, कुछ तो अलग सिस्टम चल रहा है जैसे कि आप देख रहे होंगे। बड़ा बुरा, बड़ा बुरा भाई, ये तो भागने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ तो चल रहा है, देख रहे हो भाई टर्मिनेटर अपनी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से मैग्नेट से बच के निकल जाए, बट मैं इनको निकलने नहीं दूंगा। ट्रेवर इससे पहले वहां से भागे टर्मिनेटर भाई बहुत ज्यादा चालाक है, इसका मतलब इनके अंदर सिस्टम बना के रखा है कि मैग्नेट को चीट कर सकते हैं। जल्दी 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 मेरे ट्रक, अरे कहाँ फंस गया, अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, ट्रक हिल नहीं पा रहा, जल्दी से ट्रेवर पूरी स्पीड दे, हिला इसको नहीं तो बंदे छूट जाएंगे यहाँ से। ट्रक भाई फाइनली चल पड़ा है जल्दी जल्दी, अरे यार मैग्नेट ठीक से काम नहीं कर रही यार ये ट्रक, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आप देख रहे हो कैसा नजारा देखने को मिल रहा है यार, अजीब लेवल चल रही है पूरी की पूरी, कमाल है कमाल है। मैंने भाई अपनी मैग्नेट की पावर पूरी की पूरी इंक्रीज करके रखी हुई है, बट ये टर्मिनेटर भी पूरी पावर लगा रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं कि छूट जाए, ये चिपकना नहीं चाह रहे भाई, आप देख रहे हो आगे भागे जा रहे हैं, मैं इनको पीछे खींच रहा हूँ। सही है सही है सही है, बट इससे एक फायदा हो रहा है कि ये बंदे भाई गन नहीं निकाल पा रहे। चल 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 आ जाओ नमूनो, आओगे तो मेरे साथ ही तुम लोग, फटाफट से ट्रैवल ठीक से चला, कहाँ फंस गया ट्रक, आ जाओ नमूनो आ जाओ, मैग्नेट ही सीधा करेगी तुम लोगों को, ऐसे लग रहे भूत भाई देख रहे। चल भाई ट्रक फटाफट से तू आ इधर से निकल, अब मैं भाई अपना ट्रक चलाता हूँ थोड़ा आराम से कम स्पीड, ताकि आते रहे खींचते रहे, जैसे कि आप देख रहे होंगे रोड पर आ रहे हैं भाई, खींचते जा रहे हैं बेचारे। आ जाओ नमूनो आ जाओ, बहुत मारूंगा, कितनी मेहनत कर रहे हो, ये चिट्टी वाला सीन याद आ गया मेरे को रोबोट में, जब उसको खींचने की कोशिश करते भाई बड़ी मेहनत करता है वो छूटने की, बट छूट नहीं पाता, सीधी सी बात है भाई मैग्नेट मैग्नेट होती है। ऐसे ये भी पूरी कोशिश कर रही है कि चिपके ना, बट फिर भी मैग्नेट इनको खींचे जा रही है खींचे जा रही है। आ जाओ कहाँ तक जाओगे, जहाँ तक जाओगे ट्रेवर की मैग्नेट ही पाओगे। इनको लेकर के चलता भाई सीगरेट गैरेज में, वहीं पे जाकर के इनका सभी का इलाज होने वाला है। आ जाओ जल्दी से, चिपको चिपको फटाफट से। ओके भाई फाइनली चिपक गए हैं, मतलब कि पहुंच जाऊंगा आसपास वाले गैरेज में लेके चलता, दूर नहीं जाऊंगा क्योंकि भाई दूर जाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा और ये बंदे इस बीच में कुछ भी कर सकते हैं, खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। आ जाओ जल्दी, मैं इनको भाई फाइनली लेकर के पहुंच चुका हूं अपने गैरेज में। यार ये कितनी मेहनत कर रहे हैं छूटने की, आप देख रहे हो बार बार मेरे पास आने की कोशिश कर रहे हैं मुझे जान से मारने की। अबे बहुत बुरा कर दूंगा तुम लोगों के साथ, मैं मुझसे दूर रहना, जैसे आप देख रहे हो भाई इतनी ज्यादा मेहनत क्यों, आखिर क्यों नमूनों। ट्रेवर थोड़ा दूर है, ट्रेवर थोड़ा दूर रहे इनसे भाई, इनके अंदर पता नहीं कैसे टेस्टर जी ने बॉडी बनाई, इनके अंदर ब्लड है, रोबोट्स की टीम के डब्बे में इन्होंने ब्लड डाल के रखा है भाई किसी एक एरिया में। जब इनकी टक्कर मैग्नेट से लगी, देखो मैग्नेट के ऊपर सारा ब्लड निकल गया, इसका मतलब इनके किसी एक पार्ट में हिस्से में ब्लड डाल के रखा है टेस्टर जी ने इंसानों की तरह, कमाल। तभी बोलो इंसानों की तरह बिहेव कैसे करते हैं, कुछ तो चीज़ है, बट पॉइंट का है इससे पहले भाई यहाँ से निकल जाए, मैं इस गैरेज से बाहर निकल जाता हूँ बंद करके। मैग्नेट ऑन रहेगी कुछ नहीं कर पाएंगे लोग, जब तक मैग्नेट ऑन रहेगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, नाचते रहो तुम्हारा यही इलाज है। चल भाई ट्रेवर फटाफट से, लेट मत कर नहीं तो काम खराब हो जाएगा, बड़े खतरनाक लग रहे यार। फिलहाल भाई मैं वहां से बाहर आ चुका हूँ, सुबह सुबह नमूने फोन करते हैं कौन केजीएफ वाले बंदे के, ट्रेवर आ जा फटाफट से गैंग देख ले आकर के। तो चलिए भाई फटाफट से निकलता हूँ, ये गाड़ी मेरे को फटाफट से पर जाने का देगी, तो देखते हैं भाई कौन कौन से बंदे सेलेक्ट करे केजीएफ ने टीम में लेने के लिए, पता करते हैं भाई। आपको बताया आजकल नई आर्मी बना रहे हैं केजीएफ की, तो नई आर्मी के लिए नए बंदे होने चाहिए खूंखार एकदम मजेदार। पहुंचता हूं जल्दी से जगह पर, पहुंच चुका हूं भाई मैं अपने प्यारे से एयरपोर्ट पर। तो फिलहाल ये है नमूने, इस जैसे कपड़ों के दिखने वाले नमूने तो मैंने ऑलरेडी लगा करके रखे थे, इनमें क्या खास है बात पता करता हूँ अपने प्यारे बंदों से जो मेरे केजीएफ के पार्टनर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, आपको बताइए। तो फिलहाल सामने मतलब बंदे खड़े हुए सामने की तरफ, हेलो भाई क्या हाल चाल है, हेलो चाचा जी। यार अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई, देखो लेस्टर के उस इंजेक्शन का सर अब तक है, अब तक भी ट्रेवर नॉर्मल नहीं चल रहा, कमाल। हेलो भाई जरा मेरी बात सुन,
फिलहाल इनमें क्या खासियत है? मैंने बोला था तुम लोगों को कम से कम इतने ज्यादा खतरनाक बंदे लेकर के आना जिन्होंने भाई पूरे के पूरे बदमाशी करके रखी हो, मोहल्ले के बदमाश हो बंदे, उनसे डरने चाहिए। समझ रहा है? कोई आम बंदा मेरे को टीम में नहीं चाहिए, क्योंकि अब क्योर कीजिए में खूखार बंदे चाहिए। समझ रहा है? बंदा बोल रहा है ट्रेवर्सर कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसने 15 से नीचे मर्डर करके रखे हो, इतने ज्यादा चोरियां और क्राइम इनके नाम है, अपने मोहल्ले के इतने बड़े बड़े बदमाश है, कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं जिनमें इनकी कंप्लेंट रजिस्टर ना करी गई हो। तो फिर ठीक है भाई, दिखने में तो मासूम से लग रहे थे, प्यार से बड़े प्यारे, मत समझना भाई, 15 से ऊपर मिनिमम है 15, तो किसी ने 50, किसी ने 75, किसी ने तो 100 तक मर्डर करके रखे हैं, बट 15 मिनिमम है। इतना ज्यादा खतरनाक हो गए तुम लोग, लगते नहीं हो, बट पॉइंट क्या है भाई, फिलहाल अब ये KGF में आ चुके हैं, मेरे लिए काम करेंगे, शहर का क्राइम ऑलरेडी कम हो ही जाएगा, मैं बोलूंगा तब कुछ करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, इससे आम बंदों की जिंदगी बच जाएगी, तो भाई बहुत अच्छी बात है। अब एक काम कर, बंदे मैंने देख लिए, कोई अच्छा सा व्हीकल गाड़ी सेलेक्ट कर, समझ रहा है, जो KGF के लिए अलग गाड़ी हो, जिससे पता चले कि KGF की टीम आ रही है और जा रही है, अलग कार भी देखो चूज करनी पड़ेगी, या फिर आपको याद है ट्रेवर गैंग TG वाली जो कार मैंने बनाई थी, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, एक तो डोगी का फोटो इसमें से हटा देते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है उस चीज़ की, क्योंकि वो KGF है, तो KGF में डोगी का फोटो नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे कुछ अलग तरीके का हम टैटू वगैरह बनवाएंगे, पोस्टर बनवाएंगे, लगता है उसी गाड़ी में थोड़ा चेंजेस करके मेरे को एक गैंग की कार बनानी चाहिए, करना पड़ेगा ये भी। ठीक है भाई मेरी बात सुनो, गाड़ी सेलेक्ट कर, डिजाइन वगैरह, हम एक नई कार बनाएंगे सिर्फ अपनी टीम के लिए, जो पूरे टीम के बंदे उसमें बैठ करके चला करेंगे, समझ में आया? बंदे को सारी बातें बोलती है, बंदा बोल रहा है ट्रेवर भाई अच्छा आइडिया है, मैंने अभी तक ये नहीं सोचा था, बट बहुत अच्छा लगा मेरे को, अलग टीम की कार मतलब गाड़ी भी होनी चाहिए, मैंने बोला भाई ये तो सबसे मस्त रहेगा, क्योंकि गाड़ी अपनी टीम की खुद की होगी तो मजा ही आ जाएगा, नहीं तो भाई बंदों को पहचान नहीं होगी कौन से बंदे आ रहे हैं कौन से बंदे जा रहे हैं, बट अगर अपनी गाड़ी बन जाएगी एक पूरा का पूरा ब्रांड बन जाएगा, तो बंदे दूर से देख के पहचान लेंगे, देख वो रही KGF आ रही है, इसलिए बंदे भाग जाएंगे डर के, ये सही रहेगा। टैरी का फोन आया, टैरी मेरे को बोल रहा है कि लेस्टर का शेड्यूल इसने पता किया है, फिलहाल आज वो बंदा जाने वाला है भाई हमारे शहर की मेन जेल में किसी से मिलने के लिए, शायद से भाई वो मेरे कई क्रिमिनल बंदे को छुड़ाएगा, या फिर कोई ऐसा बंदा है जो शायद से मेरा दुश्मन है वो उसको छुड़ाने के लिए जाने वाला है, तो इसका मतलब ये टीम बना रहा है, लेस्टर टीम बना रहा है भाई, ताकि वो और पावरफुल बन सके और मैं उसको हरा ना सकूँ, बहुत सही है, बट मैं ऐसा होने दूंगा, फटाफट से जेल पर निकलता हूँ, वहाँ पे चुपचाप जाके बैठ जाता हूँ, जब बंदा ना आएगा तब उसका नेता बनाऊंगा, जल्दी पहुंचता हूँ। पहुंच चुका हूँ शहर की जेल पर, फिलहाल मैंने कार नीचे की तरफ यहाँ पे खड़ी कर ली है भाई नाले के एरिया में, क्योंकि देखो मैं अभी नहीं चाहता कि भाई लेस्टर आए और मेरे को तुरंत आते ही देख ले रास्ते में ही, इसलिए गाड़ी नीचे रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। फिलहाल आज ना भाई बहुत सारी प्रिजन बस यहाँ पर खड़ी है, ऐसा पता नहीं क्यों आज इतनी सारी भाई बसेस की क्या इनको जरूरत पड़ गई, इतने सारे मतलब क्रिमिनल यहाँ पे आएंगे या जाएंगे पक्का नहीं पता, जो कुछ भी है धीरे धीरे पता लग जाएगा। चलिए फिलहाल मजे लेता हूँ पुलिस वालों से, हेलो भाई यो कैसे हो क्या हाल चाल है, फिलहाल मजे लेते हैं और थोड़ा वेट करता हूँ, जब लेस्टर आएगा तब उसकी खबर लेंगे। पंगा ले रहा ट्रेवर से, इतना बड़ा हो गया 2 रुपए का बंदा, अगर 2 घूसे मार दिए बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और भाई चाचा मेरे हैकर्स ने मुझे फोन करके बोला है कि ट्रेवर भाई जल्दी से टैरी के घर पर जाइए, हादसा हो गया, लेस्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, लेस्टर इतना बदतमीज निकला, लेस्टर को पता लग गया होगा कि टैरी ने उसके बारे में उसको खबर दे दी ट्रेवर को, मतलब कि टैरी ने मेरे को लेस्टर के बारे में खबर दी कि लेस्टर यहाँ पर आने वाला है, तो ये बात पता चल गई लेस्टर को, लेस्टर को आया गुस्सा, लेस्टर ने फिर खबर निकाली कि टैरी बंदा कौन है। देखो अब लेस्टर किसी के बारे में नहीं जानता, ना मेरे बारे में ना टैरी के, उसकी याद चली गई है, तो उसने पता लगवाया टैरी कौन है, फिर उसको पता लगा टैरी वो बंदा जो ट्रेवर को पल पल की खबर देता है, तो लेस्टर को गुस्सा आया कि इसने मेरा प्लान खराब कर दिया, टैरी के घर को उड़ा दिया भाई, टैरी फ़ोन नहीं उठा रहा, अब पता नहीं मर गया या बच गया, किडनैप है जो भी है पता नहीं पता, बट बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ। अरे यार लेस्टर नमूने टैरी को नहीं करना चाहिए था कुछ भी, अब भाई मेरे को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, ये उल्टे काम क्यों करते हैं, सच्ची में यार बहुत ही बुरा काम हो गया, इसके मिरर काम कर रहे हैं भाई, नहीं तो लॉस एंजेलिस की कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसके मिरर काम नहीं करते, जिसके आप देख रहे हो इसके मिरर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चलिए बढ़िया, निकलता भाई फटाफट से, पास जाने की जरूरत भी नहीं है भाई, इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट करा है टैरी ने, इतना बड़ा मैं देख नहीं पाऊंगा, मतलब टैरी के घर पर इतना बड़ा गया लेस्टर ने, पूरा घर तो क्या आसपास के मोहल्ले के 2-4 घर भी गिर गए होंगे यार, ये पागल हो गया है बेचारा। टैरी इसी मोहल्ले में रहता है भाई, चाहे आपको पता नहीं होगा, बट इसी जगह पर वो रहता है सिर्फ हैकिंग करने के लिए, वैसे तो बहुत अच्छी जगह पर रहता है, बट पॉइंट क्या है, जब उसको हैकिंग करनी होती है वो यहीं पर आता है, अच्छा एरिया है, नेट की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, सुनसान एरिया है, कोई चेक नहीं कर पाता भाई साहब, टैरी तो गया, अब पता करना है मर गया है जिंदा है वो बाद में पता लगेगा, बट लेस्टर ने अपना रास्ता क्लियर करने के लिए टैरी को रास्ते से हटा दिया। हैकर्स को फोन करके बोलता हूँ भाई अपनी सिक्योरिटी तुम भी कर लो, कभी पता चले तुम्हारे वहाँ भी बॉम्ब डाल के चला जाए, मैं तुम्हारे पास आकर के खबर लूंगा। रोकी का फोन आया भाई, बड़ी टेंशन में लग रहा है, मुझसे मिलना चाहता है। चलिए खैर पहुंचता हूँ उसके पास में, अब टैरी के साथ जो हो गया सो गया, वो तो पता लगा लेंगे हम कब मिलेगा। ड्राइवर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज ड्राइवर, मेरे डैड को पता करने की हेल्प करो प्लीज ड्राइवर, वो मुसीबत में है, किसी ने उनको किडनैप कर लिया है,
मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। देखो ट्रेवर, हमारे आपस में बहुत सारी मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, हमारे बीच में आपस में नहीं बनती, हम लड़ते एक दूसरे से, तुम्हें पता है बहुत परेशानियां, मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ ट्रेवर, बट प्लीज इस वक्त वो मुसीबत में, उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए ट्रेवर, प्लीज प्लीज, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी पावर्स लगा के रखी है, बट तब भी मैं कुछ पता नहीं लगा पा रहा, क्या प्लीज तुम भी थोड़ी हेल्प करोगे, प्लीज मेरे पापा को कुछ नहीं होने देना ड्राइवर, प्लीज। फिलहाल यार रोकी के पापा मॉर्फियस को किसने किडनैप कर लिया, वो तो सबसे बड़ा डॉन था यार, पापा मॉर्फियस उसको भी किसने किडनैप कर लिया, कमाल। रोकी तो टेंशन ना ले, तेरे पापा को मैं ही मारूंगा बेटे, फिलहाल इसको तो नहीं बोल सकता सारी बात, बट मैं मारूंगा उसको, कोई और नहीं मार सकता। बट ऐसा कैसे हो सकता है यार, रोकी की बहुत ज्यादा पावर्स आपको पता है, इसलिए ये भी अपनी पूरी पावर्स यूज कर रहा है, ये तब भी नहीं ढूंढ पा रहा, तो ऐसा कौन ले गया मॉर्फियस को यार, मॉर्फियस को किडनैप करने का दम किस में आ गया, वो बड़ा पागल बंदा है भाई, वो तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, आपको बताइए उसको मारने के चक्कर में तो मैं बड़ा परेशान घूम रहा हूँ, उसने ट्रेवर के पापा रॉबर्ट फिलिप्स को मारा था और उसको किसने उठा लिया, अब ये भाई किसका काम है, लेस्टर का, मॉर्फियस मतलब कि अपने उसका स्पार्टा वाले बंदों का, पता नहीं कौन है, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा करके। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैं पता करता हूँ भाई, जिसने भी सारा काम किया है मरेगा, जल्दी ही मरेगा, बच नहीं पाएगा। मेरे पास भाई अभी मेरे हैकर्स का फोन आया, मैंने उनको बोला भाई फोन करके इन्फॉर्मेशन दे मत दो, मतलब गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंट क्या, उन्होंने बोला ट्रेवर भाई लेस्टर इस वक्त प्रेजेंट हाउस पर जाकर के स्पीच दे रहा है, बट इतना चालाक बन रहा है, असली वाला नहीं भेजा, अपने नकली बंदे को भेज दिया लेस्टर ने, और वहाँ पे स्पीच दिलवा रहा है, बोल रहा है मैं प्रेजेंट को ढूंढ निकालूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, और प्रेजेंट थॉमस को ला करके फिर मैं अगली बार इलेक्शन लड़ूंगा और मैं ही जीतूंगा, ट्रेवर ने ऐसा बोला है मुझे, फिलहाल मैं अब की बार लॉस सैंटोस का प्रेजेंट बन के सब कुछ खत्म कर दूंगा, सारा क्राइम वगैरह वगैरह यहाँ से। और जनता खुश हो रही है उसकी बात से यार, क्योंकि जनता यही सोच रही है कि ट्रेवर अपने दोस्त को प्रेजेंट बना रहा है थॉमस को हटा करके, और जनता सपोर्ट करेगी, एक तो डरती है मुझसे और उनको उम्मीद भी है कि ट्रेवर का दोस्त सब कुछ सही कर सकता है, बहुत फायदे उठा रहा है मेरे नाम के, और ऊपर से असली बंदा आया भी नहीं, नकली भेज दिया ताकि ट्रेवर मतलब मैं हमला ना कर दूं वहां पर, आपको बताइए मैं तो देखते गोली मारूंगा। मैं प्रेजेंट हाउस पर भाई पहुंच चुका हूं, तो चलिए अपने दोस्त को देखूं तो सही भाई क्या यहां पे ड्रामे करने में लग रहा है, मैं आगे नहीं जाऊंगा, नहीं तो बंदे सच में सच मान लेंगे इस बात को कि ट्रेवर भी सपोर्ट कर रहा है, ट्रेवर भी आया अपने दोस्त की स्पीच पे, एक तो ट्रेवर की हालत पता नहीं कब सही होगी, कोई बात नहीं फिलहाल हालत तो ठीक हो जाएगी, बट फिलहाल इसकी हालत मैं खराब कर दूंगा। लेस्टर मुर्गे इतना बड़ा धोखा, ड्राइवर से पंगा ले रहा है तो तेरे, कोई बात नहीं ले 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 ले, तेरे को छोड़ूंगा नहीं भाई, देख रहे हो लगा रहे नमूने लगा रहे, कोई बात नहीं अभी इसका वक्त है, हमारा वक्त भी जल्दी आने वाला है। वैसे देखा जाए तो दुश्मन तो है नहीं, दोस्त है, और ये नकली है भाई, अगर असली लेस्टर यहाँ पर होता तो मैं इसको लेकर के चला जाता, बट कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पता लग जाएगा असली कहाँ पर है। वैसे देखा जाए लेस्टर ने बहुत रायता फैला दिया भाई, एक तो इसने भाई अपने टेरियो किडनैप कर लिया, बाकी और बंदो किडनैप कर लिया, यहाँ पे तो जंग बच गई, अबे क्या होगा तेरी पब्लिक भाग गई लेस्टर, अरे रे रे रे, लगता है कुछ यहाँ पे भाई शायद से किसी गोली वगैरह चला दी होगी, खैर मेरा कुछ लेने देना नहीं है। पॉइंट क्या, मैं आपको क्या बोल रहा था, इसने बहुत ज्यादा दिक्कतें कर दी, टेरी किडनैप हो गया, ऊपर से भाई इसने फिर अपने प्यारे भाई को धोखा दिया, डेटा मतलब डेटा ले लिया मेरा सारा का सारा, मेरा भी और दूसरा वो भी गवर्नमेंट का भी, इससे दिक्कत कर दी इसने मेरे को बहुत ज़्यादा, और ऊपर से प्रेजेंट को ले गया, और फिर उसके बाद अब ये मॉर्फियस का भी हाथ इसमें, इसका हाथ है नहीं है, और टर्मिनेटर से देखा जाए इसने मेरी इतनी मुसीबतें बढ़ा दी भाई, मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा इनको सही करने में। लेस्टर को पकड़ के लेकर के आना पड़ेगा किसी भी कीमत में, और उससे सारी बातें पता करनी पड़ेगी कौन है सभी चीज़ के पीछे। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो में इतने ही आलोक, ये वीडियो कैसी लगी, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सकते फैमिली का मेंबर बन जाइए, अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।